आपके पास मेरा वो काला मुंह वाला आर्टिकल भी है? मैंने आपकी सारी आर्टिकल्स कलेक्ट किया. आजाद सर, इट्स सच एन ऑनर फॉर मी टू डू दिस. थैंक यू सो मच फॉर एग्रीइंग. मैं अब तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप मुझ पे डॉक्यूमेंट्री क्यों बना रही हैं. कौन देखेगा? सर बहुत होंगे. डैडी, सर कुड यू जस्ट चेक योर माइक? कुछ बोलिए. हाँ. जमी पर खून के दाग, लाशों की बू उस गली से, खींची हुई लकीरों पर कुछ और नई लकीरें. सर अपने बारे में कुछ बताइए कैमरा में. मेरा नाम विनोद दुर्गे है. मैं पिछले कई सालों से मुंबई में रहता हूँ. तकरीबन 23-24 साल हो गए. 24 साल हो गए. क्या? और दिन में मैं एक टार कंपनी है उसमें मैं काम करता हूँ एज अ मैनेजर. और रात को मैं आज़ाद हूँ. न्यूज़ एक्सप्रेस एक डेली है उसमें मेरा कॉलम छपता है हर संडे को. एंड आप सब लोग मुझे आजाद के नाम से पहचानते हैं. हाँ माँ. हाँ मैं पहुंच गया. एयरपोर्ट से सीधा यही आया. हाँ बस निकल रही हूँ. पापा का फुटेज चेक किया क्या? कुछ पता चला उसमें? माँ आई सीरियसली डाउट कि हमें इस फुटेज में से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. आई थिंक वी आर वेस्टिंग आवर टाइम. समीर प्लीज ध्यान से देख. 2 दिन से उनका फोन स्विच ऑफ है. हर किसी से पूछ चुकी हूँ. पता नहीं कहाँ चले गए हैं. एक बार आजाद है ना, गए होंगे कहीं बदलाव लाने. अब तो फिर से शुरू मत कर समीर. कैन यू प्लीज बी ऑफ सम हेल्प नाउ. मैं निकल रही हूँ तो मिल मुझे. ठीक है? ठीक है. आर्टिकल्स पे नहीं चलता है एक्सप्रेस. कम ऑन विनोद, तुम लिख के देते हो इसीलिए वो लोग छापते हैं. उन्हें तो मुफ्त में हर हफ्ते एक आर्टिकल मिल रहा है. सुन रहे हो क्या कह रही हूँ? तुम पैसे मांगोगे नहीं तो वो तो देने से रहे. फिर वही बात जैनब. अब ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी हम पे? तुम्हारी और मेरी सैलरी से तो चल तो रहा है. और अगर मैं पैसों के लिए लिखने लगा ना तो फिर सच्चाई कभी नहीं लिख पाऊंगा. खर्चे बढ़ने वाले हैं विनोद. समीर को प्राइवेट ट्यूशंस चाहिए. सब कुछ समझाना पड़ेगा कि तुम्हें ट्यूशंस क्या लगा रखा है तुम दोनों ने. दिस प्राइवेट ट्यूशंस आर अ बिग स्कैम. आई एम टेलिंग यू, रिमेंबर दैट. अरे अपने इस आइडियल वर्ल्ड से बाहर निकलो, जरा देखो क्या हो रहा है. हां और बिक जाओ, है ना. तुमसे बात करना फिजूल हो गया है. तो फिर मत करो बात. तो मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो. सॉल्यूशन ये है कि अपना दिमाग लड़ाओ, खुद पढ़ाई करो. तुम समझते क्यों नहीं हो? इतना प्रेशर होता है बच्चों पर. प्रेशर अगर हम लेंगे ना तब होता है. तब तुम्हारी तरह नहीं होते. ये लिखते रहो लिखते रहो, दुनिया में जो हो रहा है होने दो. काश अगर सब मेरी तरह होते. लैपटॉप का पासवर्ड नहीं था इसलिए खोल नहीं पाया, लेकिन मैं ले आई हूँ. और ये कुछ किताबें हैं जो आजकल पढ़ रहे थे. ये उनका एम्प्लॉयर आईडी. ये क्या हाल है?
God is not great. Good Muslim, bad Muslim. क्या है? ए चाय लेके आ रहे? ओ साहिबान तो कुछ लाएगा? साहिबान ना चाय दे रहे? सर ये वो पैसे. तो कब तक मिलेंगे वो? क्या मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या? क्या मैंने पॉकेट में रखा है उनको? नहीं सर, ये वो मतलब नहीं था इसका. परेशान है तो परेशान है. पापा से बात नहीं हुई तो परेशान हो गया? कब बात की पापा से? ए परेशान, पापा से कब बात की? जी वो हम एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते. बात नहीं करते मतलब? सर वो दिल्ली में रहता है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है वहाँ, तो पढ़ाई में बिजी रहता है. ए अरे जाए देना जल्दी बाबा, सुबह ही आया है. जनाब जी उनके खिलाफ ये पुलिस केसेस हैं. हाँ विनोद दुल्ली के खिलाफ. ये क्या है? 17 मार्च 1995 अरुण वजानी को मारपीट किया, नॉन कॉग्निज बिल ऑफेंस 323, और एक है 427 तो दरवाजा फोड़ दिया. कुलकर्णी साहब इस बात को तो 20 साल हो गए हैं और विनोद की तो गलती भी नहीं थी. जो लैंडलॉर्ड ने किया वो इलीगल था, फिर ये तो तभी के तभी सॉल्व हो गया था. मैंने 20 साल डिसॉल्व हो गया होगा, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड तो है ना. पिछले हफ्ते भी उनका एक केस है, सेडिशन का केस है, 114 कलम उनके आर्टिकल की वजह से. क्या उनका भड़काऊ ये लिखना है? ऐसा क्यों लिखते हैं? लिखना है तो अच्छा अच्छा लिखो ना. ए बाबा चाय देना, बंद कर उसको. आपको आपकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा है? जैनब हमेशा कहती है कि तुम अच्छा लिखते हो लेकिन बुराई के बारे में लिखते हो. अब देखिए ऐसा है कि मैं वो लिखता हूँ जो देखता हूँ, जो हमारे आसपास हो रहा है. आई राइट अबाउट दैट. अब कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग भड़कते हैं, और क्या कहूँ. दैट्स इट. लोग जब भड़कते हैं तो आपको कैसा लगता है? सादत हसन मंटो साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी कि अगर आपको मेरी लिखाई बर्दाश्त नहीं होती तो फिर ये जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है. तो या पर मंटो को भी एक हद के बाद डर लगा था. क्या आपको डर लगता है? पिछले महीने जब किसी ने हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ा तो पहला ख्याल दिमाग में ये आया कि अगर जैनब गाड़ी में होती तो. सो हाँ, डर तो लगता है. और गुस्सा? लिखता हूं. डॉक्यूमेंट्री वाला क्या हुआ? आपको पता है यार क्या हो रहा है? आदत बन गई उनकी, वो भी आपकी वजह से. जो जी में आए करते रहे, जब चाहे चले आए, जब चाहे जाए, और हम बस ऐसे ऐसे सहते रहे.
एक महीना हो गया। गाड़ी का ग्लास ठीक करवाया उन्होंने? नहीं। आजाद कहते हैं खुद को, ये है आजादी। मां, घर की हालत देखी आपने? मैं क्या कह रहा हूं मां, वी डोंट डिजर्व दिस, यू डोंट डिजर्व दिस। थक गया हूं मैं। अरे थक तो मैं गई हूं समीर, तेरे इस गुस्से से थक गई हूं। बाप है तेरे, दुश्मन नहीं है। घर में मुसीबतें वो लाए और सुनना किसी और को पड़े। मत सुनना, तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है। गलती हो गई मैंने जो तुझे दिल्ली से यहां बुलाया। तू एक काम कर, अपना वापसी का टिकट कटा ले। तू जा दिल्ली। हाँ हाँ, लंदन का ही टिकट करवा लेता हूँ। समीर, समीर, पागल हो गया क्या? कैसे गाड़ी चला रहा है? अरे आज तेरे डैडी का इंटरव्यू लेने कुछ लोग आए हैं ना, वो ब्रेक लेंगे तो खाना खाएंगे बस। तू बता, दिल्ली में सर्दी कैसी चल रही है? हाँ तो माँ, एक्चुअली मुझे एक बात कहनी थी। वो पिछले बार डैडी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन मैंने फिर भी लंदन स्कूल में एप्लीकेशन भेज दी थी और मुझे एडमिशन भी मिल गया है और 60% स्कॉलरशिप भी दे रहे वो। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि तू भी डैडी की तरह लिखना चाहता है। आप भी ना कुछ भी सोचते रहते हो। तो मैं क्या पूछने वाला था, मतलब क्या हम वो बाकी के 40% के लिए लोन ले सकते हैं प्लीज? समीर, लोन तो जानता है उनको, वो पैसे वैसे लेते नहीं है। ग्रेट, सेम स्टोरी अगेन। ठीक है, मैं देख लूंगा। अरे तो इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाता है? बात कह रही हूँ मैं। नहीं माँ, इट्स ओके। अच्छा चल, एक काम करते हैं, तू ये खुशखबरी ना खुद उनको दे। नहीं 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 माँ प्लीज। नहीं, इट्स ओके। अभी हेलो हेलो माँ, हेलो माँ, हेलो माँ, माँ अभी नहीं प्लीज।
सॉरी फॉर इंटरप्टिंग. अभी नहीं यार, क्या कर रही हो? माँ प्लीज यार, मुझे नहीं बात करनी उनसे अभी. रात के शोर में आपका पहला आर्टिकल था ना? जी, 17 मार्च 1995. हमारे मकान मालिक ने हमको घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि उन्हें अचानक रियलाइज हुआ कि मेरी जो बीवी है वो मुसलमान है और उस सोसाइटी में मुसलमानों को रहने की इजाजत नहीं है, तो हमको बाहर निकाल दिया. बहुत देर हो चुकी थी रात में, रास्ते पर सामान बिखरा हुआ था. जैनब प्रेग्नेंट थी. उस रात उसने she delivered our son on the road. मुझे बहुत गुस्सा आया, मजानी के ऊपर, सोसाइटी के लोगों के ऊपर, सबके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया. और फिर मैंने समीर की तरफ देखा और सोचा कि मैं अपने अपने लड़के को कौन सी दुनिया दिखाना चाहता हूं. वो दुनिया जो पैरों में सरहदें बांधती है, या फिर वो दुनिया जो इस सारे शोर से बहुत दूर उस छोटे से पुल के उस पार है. वो दुनिया कौन सी दुनिया दिखाना चाहता हूं?
आपने मुझसे पूछा कि क्या मुझे डर लगता है। बिल्कुल लगता है। ये जो बाहर का शोर है उसे हम दरवाजे खिड़कियां बंद करके उसे मिटा सकते हैं, लेकिन वो शोर जो हमारे हमारे अंदर चलता रहता है, ये मजहब का शोर, ऊंच नीचता का शोर, अमीरी गरीबी, ये इस शोर से जो मेरी हमेशा हुतुतु चलती रहती है, मुझे ये डर लगा रहता है कि कहीं मैं उस शोर से हार ना जाऊं। ये डर जरूर लगा रहता है। मैंने समीर के लिए लिखना शुरू कर दिया। आजाद समीर के लिए लिखता। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। समीर का फोन है, आपसे बात करना चाहता है। समीर हेलो। सोया नहीं तो अभी तक? नींद नहीं आ रही थी। आप सो जाइए ना वहां थोड़ी देर। अच्छा मैं सोच रहा था कि कल कुलकर्णी से एक बार और मिल लूं, वहां से एक्सप्रेस ऑफिस होकर आऊं। फिर बढ़ाएंगे तो ढूंढने में ज्यादा आसानी होगी। हाँ तू अभी थोड़ा आराम कर ले। हेलो। हाँ कुलकर्णी सर। नाही त्यांची फॅमिली सगळी शोधते त्यांना सकाळी आज। हां ठीक आहे सर, त्यांचा मुलगा आलाय, नंतर बोलतो। ये कुछ पेपर्स मिले उनके बॅग्स। साइबर सेल को कुछ ईमेल्स मिली उनके लैपटॉप से, थ्रेट ईमेल्स, दो तीन महीने से आ रहे थे। बता दो। चलो
दोबारा लेके जाने पड़े, है ना? आप एम्बुलेंस लेके ठाकुर हॉस्पिटल से अपने दो कांस्टेबल भेज दो वहाँ पे, और जमीन पर खून के दाग, लाशों की बू उस गली से, खींची हुई लकीरों पर कुछ और नई लकीरें, वो तेरे खाने वहां पर, ये सारे मेरे अपने, जीती फिर अमानत है कुछ हमने कुछ तुमने। न तुम आगे बढ़े न मैंने मुंह दिखाया, कुछ तुम समझ न पाए कुछ मैं समझा न पाया। वो कैसे टूटे रिश्ते, वो क्या थे कसमें वादे, वो खामोशी के लम्हे, वो शोर के इरादे।